घर में ऐसा तो नहीं होगा कि मदीना ने कोशिश नहीं की होगी, वो एकदम से आंख में आंसू भर के एकदम पप्पा पप्पा मतलब उसको फील आ रहा था ना। इंशाल्लाह नहीं, मैंने उनकी जेब में देख ले, चेक कर ले, चल बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चले सुबह का नाश्ता माही को छोड़ने गए थे। चलो पास्ता बना रही, पाव किलो है ना बच्चा ये? हाँ हाँ पाव किलो। बाहर का पलक टूट गया मोटर पे का, हाँ तुमको आता लगाने के लिए है क्या? देखो वो सब स्क्रू ड्राइवर वगैरह आता है तो लगा, तुम बुला के लगवा लो फज्जू। क्या थोड़ा छोटा काम तो सीखना, पास्ता रेडी। के भैया हस्बैंड यहाँ पे अपना पलक सही कर रहे, वो पलक लगा रहे, पलक चेंज। हमारे घर के न्यू इलेक्ट्रिशियन आज इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं। पसीना भी छूट गया है देखो, बारिश में इतना पसीना। आज बारिश अभी तो रुकी है अल्लाह अल्लाह बोल के। मीनो गुड मॉर्निंग, जा नाश्ता करके ले ले, हो गया नाश्ता देख बना के। देख जब मैं इधर बैठी हूँ, पास्ता लग गया। चालू करो, आई आवाज, आवाज आई, चालू हुआ, चालू। पीने का करने का अपने खाली, चलो हो गया तो उनका सामान। तो वो अभी दो दिन जाता फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुशहाल आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुशहाल आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपनी जुबान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपने की तरफ नहीं आए। तो चले आज का मंडे वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह हो गई, आपके फयाज भजन जाके पलक चेंज करके आ गए। वो पलक है ना वो मोटर का जिसमें घुसा के क्या बोलते उसको, त्री प्लग घुसाते मोटर चालू होती है, वो जल गया था उसको बदली करना जरूरी था, तो ये इन्होंने लेकर आए। खुद ही बैठ के कारीगरी करने को तैयार हो गए। मेरे को बोले लाओ ये पलक लगा लेता हूँ मैं, खुद ही कर लेता हूँ। अभी इलेक्ट्रिशियन को बिठाऊंगा बुलाऊंगा तो 100 रुपये जाएगा, बोले मैं कर लेता हूँ, बोल के इन्हें खुद ही कर लिए। बारिश का तो आलम क्या मैं बोलूँ। अभी मेरे नीचे आया, बोले मामा माई की स्कूल चालू है, तो मैं बोले हाँ चालू है, वही देख रहा था। बोलता कि बोले मैसेज देख के बोलता कि मम्मा जब अलर्ट जब बंद करने का टाइम आता जब ये लोग बंद नहीं करते। हालांकि कल से कितनी बारिश थी, आज बंद कर देना चाहिए था। दो दिन और ऐसे रहेगा, कल भी ऐसी रहेगी बारिश। कल तो इतनी कल से इतनी बारिश है, अभी सुबह थोड़ी सी कम मतलब थोड़ी सी कम होती है, मतलब ऐसा 15-20 मिनट आधा घंटा रुक जाती है, फिर आती है, फिर आधा घंटा रुकती है, मतलब चल ही रहा है। मतलब बारिश जो है ना नॉन स्टॉप रुकी नहीं है, चालू है बारिश। मैं सोच रही थी शायद लोग आज छुट्टी देंगे स्कूल की, लेकिन नहीं, मैसेज देखी चेक करी तो चालू है स्कूल। चले नाश्ता बन गया, बस मैं पास्ता ही लेके बैठी हूँ। तो आपके फयाज भाई ने दो तीन निवाला मेरे पास्ता खा लिए। मेरे कपड़े धो रहा है ऊपर, नाश्ता लेके गया अपना, कपड़े धो रहा है। चले ब्लॉग स्किप मत करें, आज मंडे रूटीन शेयर करती हूँ, तो मंडे को क्या क्या किया जानना है ना, तो फिर ब्लॉग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है, चलो फटाफट से लाइक करो और वीडियो को प्लीज शेयर करना मेरी बहन लोग। चलो कहाँ जा रहे जी?
अच्छा बेसन में ना पानी, हाँ बेसन में पानी नहीं जा रहा है, पानी अटका। अल्लाह अकबर। अच्छा फैयाज धो देना बर्तन बराबर, बर्तन है ना बराबर, वो कचरा वचरा ना बराबर निकालते, वो कचरा नहीं छोड़ते। मेरे को लगता है ना नुमेर ने गड़बड़ किया है, कुछ तो कचरा डाला है। बोल रही तो बोलता कि नहीं नहीं मैंने निकाला, बोले थैली में सब डालता हूँ, बोले मैं बराबर से। अब मेरे को लग रहा है ये नुमेर का कांड है, बर्तन धोने के टाइम पे बराबर से कचरा निकाला नहीं है वो, और वो भी कचरा जो है ना फंस गया है। तो अभी गए तार लाने के लिए, बोले तार लाता हूँ, उसको क्या क्या करेंगे अल्लाह को मालूम, अभी इनको और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये संसार का काम है ना, ये आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। चलो नाश्ता करो, नाश्ता करना है आप लोग, ब्लॉग को पूरा देखें, बाय। अपने पास ये तार थी फज्जू, याद है तुम्हारे को वो घर पे? उसे जमाने में कहाँ रहेगी पता नहीं। तो यार तुम संभाल के रख दो ना फिर उठा के, अपने को बार बार क्या लाना फिर जाके। अभी तार से कैसे डालेंगे तुम? मैं बोल रही थी वो जो आता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पत्थर आता है मालूम व्हाइट कलर का, कैस्टर्ड क्या बोलते हैं उसको, कैस्ट्रोल, वो ला के डालते हो तो अंदर उससे निकल जाता। जान लो ना, 20 में काम करा ना, 40 रुपए 50 रुपए कौन डालेगा। अब 20 में काम किया, 40 50 एक बार में नहीं होता, वो रख के भी यूज करते। Hey guys. बोल ना, बोल अभी बोल। कुछ ना बोल ना, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं है बेटा, आवाज दी तो बोलता कि अम्मी काम के लिए बुला, काम के लिए आवाज देते, मेरे को ऐसा आवाज नहीं देते। अभी इसको क्या लोलो पापा करने के लिए तो आवाज दू, कह रहे नुमेर भैया मेरा वो स्टैंड है वो टूटना नहीं चाहिए। अरे सेल्फी वो है मेरा, वो टूटेगा नहीं मेरा, वो सारा है वो भी खत्म हो जाएगा, मेरे पास में है ही नहीं कुछ भी। खींचना नहीं लेकिन तुम, कैमरे का स्टैंड है मेरा वो, इतना से सड़ेला नहीं वो, उतने काम साल भर से काम चल रहा है। तुमको याद है वो कब लेकर आए थे तुमने, वो पहले वाले रूम पे थे ना हम लोग, 4 साल हो गया फज्जू, 4 साल से चला रही हूँ मैं, बोलना नहीं, 4 साल से मैं वो चला रही हूँ, 250 रुपए का लिए थे वो, याद है? पापा ने आपको 16 साल से चलाया, कुछ बोले पापा ने? क्या पापा ने सोलह, 20 साल, 20 साल तेरे पापा को मैं चलाई हूँ, ला इधर ला, ज्यादा पापा की साइड मत ले रे को, ये देखो इनको क्या है, ये क्या हो गया, लेकिन ये पोजीशन कौन सा है ये? ये तार गलत जगह लग गए। फज्जू संभालो फज्जू, नुमेर फिर की पकड़ा, फिरकी पकड़ा है, पतंग उड़ा रहा, पतंग फज्जू। यार मैंने एक बार भी पतंग नहीं उड़ाया। तू बाहर खेला है किधर, तू बड़ा हुआ जब से, तू बाहर खेलता है का? क्या तुम जाने दे, जाने देती मैं, नहीं जाने देती मैं, माहौल के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मैं उसको बाहर जाने ही नहीं देती। तू क्या, मैं खुद गया नहीं हूं, इनको जाने का मौका ही कहां मिला, 12 साल की उम्र में तो काम पे लगे, 12 ना फज्जू क्या, 13 साल, 12 साल में तो काम पे लगे, पतंग क्या उड़ाएंगे, वहां जाके मशीन बना रहे थे, क्या काम कर रहे थे? क्या स्प्रे का ढक्कन, क्या कर रहे थे? स्प्रे का ढक्कन बना रहा, ढक्कन बना रहे थे आपके फैयाज भाई जान, स्प्रे का वो जो ढक्कन होता है ना ऊपर का, जर्मन का। एक ढक्कन ला लिया, अब तू गया मेरे हाथ से, अब तू नहीं बचता बेटा। एक ढक्कन लाया साथ में, दो ढक्कन बाद में तुम लोग आ गए। मेरे को ढक्कन बोल रहा था, तू क्या है बुच, ढक्कन ही है, ढक्कन ही छे तू भी। किसके पकड़ बेटा, मेहनती है बाकी में मेरा आदमी, यहाँ बहुत मेहनती है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए रखे, अल्लाह ऐसी और मेरे आदमी को मेहनत करने के लिए, और जो 100 साल अपनी कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। नमो इधर आ, ये देखो ये वाला, इसकी तारीफ कर रही थी मैं, ये ना कितना वो हो गया, ये ख़राब हो गया ऑलमोस्ट, देखो जंग भी लग गया है, लेकिन ये मैंने 4 साल से चलाई हूँ, ये 4th साल है जब से यूट्यूब चालू करी है, बहुत साथ दिया मेरा। हाँ हो गया? नहीं हुआ जी। छतरी लेके जा रहा है? बारिश का भरोसा नहीं, छतरी लेके जा। माई के पास छतरी है, बैग छतरी में लेना दो। माई के पास भी छतरी है बोलते हैं। हाँ बच्चा। आज एक काम बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, है ना? पानी तो भर दिए थे, खाली थोड़े से बर्तन बाकी है, वही सुबह के सब नाश्ते के निकले ना। हुआ? निकल गई थी, कुछ ना कुछ बोलेगी, तू लेट निकला ना बेटा। क्या हुआ, ये क्या निकाल रही है आज? अच्छा पेपर चालू है, अच्छा पेपर चालू है माही के, आज पहला पेपर है वर्कशीट का ना, वर्कशीट है ना, पहला पैड निकाल के रख रही हो, आई के नहीं आई?
हाँ ये भी बात बराबर बोली, चल रख दे बैठ। तो बैग कम लेके जाना आज, फिर कि पूरा ही पीरियड है, पूरा ही पीरियड है, फुल डे है। अच्छा कैसे पता तुमको मैंने पास्ता बनाई? पास्ता कौन बनाया था? अच्छा हाँ पापा, हाँ तुमको छोड़ के पापा लेके। ये हो गया इनका काम, तार उठा के रख दो संभाल के। सब पढ़ के होगा, सब रिवीजन होगा, सब टेस्ट होगा। चलो और बस पेपर में कुछ अलग नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि अलग आ जाते हैं ना टीचर फिर याद नहीं रहता, टेंशन हो जाता। इंशाल्लाह नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है मेरे को, कल भी वही होगा मिक्सर के अंदर अर्थिंग आ रही थी। वो क्या होता है? मैं गीला हो रहा, पानी वानी जाता है लगता। हाँ यार अर्थिंग जैसा लग रहा है। अब मत लगाओ हाथ, लगाना है तो कपड़े जमा, कपड़े जमा, कपड़े कपड़े पकड़ो, कपड़ा मैं कपड़ा लो। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये वहाँ पे गीलापन, तुम लोग पानी आता ना छाड़ कुछ, क्योंकि बारिश है ना, बारिश वाली में अर्थिंग का टेंशन है, मैं उसको वहां से हटाने लगाती हूँ। कल भी करंट, कल भी आ रही थी मिक्सर में अर्थिंग, करंट करंट। हाँ हल्की सी। माता श्री जल्दी करिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा फिर। छुट्टी देते तो अच्छा रहता था ना, बट पेपर है ना अम्मा, कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं? अगर कर भी दिया तो लोगों को तीन पेपर एक साथ रखना पड़ेगा। माही कुछ है तेरे लिए? किसका लेगी, किसका हाथ? पापा ने क्या दिए? पापा ने भी चॉकलेट दिए? अच्छा वो पापा ने मेरे को ही दिए थे खाने के लिए, बट मैंने आपके लिए रख दी थी। गाय पापा ने तंबाकू छोड़ दिए, जब से भी चॉकलेट खाते हैं ना पापा। सच्ची में बज्जू? बट कल रात में नहीं, कल से तो नहीं देखी, बट कल रात में मैंने उनकी जेब में देखी थी। लो देख, देख ले, चेक कर ले। ये अरे नहीं, फिर वो वाले पैंट में, ये पैंट में। माही को प्रॉमिस किए, माही को प्रॉमिस किए कि नहीं खाएंगे वो, ये रिक्शे के ये वाले नहीं है बेटा, कल ही मेरे को बोल दिया उन्होंने, चेक कर ले, कल ही बोल दिया मेरे को नहीं खाऊंगा, आज के बाद लास्ट है, आज के बाद नहीं खाऊंगा है। चॉकलेट्स खा रहे वो कल से। दे 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 यूनिफॉर्म, अभी फेंक देना, जो फटे लगे फेंक देना, तुम व्हाइट वाले पहनना रखो। नहीं ये कॉटन नहीं, कॉटन प्लस पॉलिस्टर मिक्स है। नहीं नहीं पूछ जाएंगे ये, नहीं पूछ जाएगा, वो जमीन पोछने के लिए बोल रहे, ले रख लो बोले, पोता वोता मारने। मेरे कॉटन प्लस पॉलिस्टर मिक्स है वो, उससे खींचे भी नहीं जाएगा पानी, फेंक देना उसको उठा के। बस हो गया, अब उसको पहन के बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो चल बाल बनाने, ओ पास्ता खा के लो, पास्ता खा लो, पास्ता बने ला। माई ने खा ली? नहीं ना। क्या बेटा कल से देख रहे हो मेरे को कंट्रोल? सुबह से देखे क्या अभी तक? मैं तो मुंह में रहता नहीं, काम करते भी। क्या बात है माही, तू जीत गई यार, ये देख माही तू जीत गई। मैं 20 साल से जो नहीं करवा पाई वो तूने करवा ली माही, वो भी पक्का नहीं है माही, दो ही दिन हुआ है कल से छोड़े वो, कल पर सैटरडे से, सैटरडे से तीसरा दिन है आज, शनिचर से ना फज्जू? हाँ फज्जू, हाँ शनिचर से, शनिचर से छोड़े, सैटरडे संडे मंडे आज तीसरा दिन है। मैं देख रही थी, मैं इसलिए कुछ बोली नहीं, मतलब दो दिन तो गया है, रुकते नहीं है वो, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बट दो दिन निकल गया है, अब देखेंगे कौन जीतता है, माँ बेटी क्या, माँ क्या पप्पा। माँ तो हार गई, माँ तो हार गई। रख दे, एक चम्मच यहाँ लगा, एक चम्मच यहाँ लगा, बंद कर दे बस। और टिफिन चेंज माही की, क्योंकि माही ने पास्ता ली
तो उसको मैंगो भी डाल के दे दिया हम लोग ने। न्यू टिफिन जो उसकी कजिन ने दिए थे उसको, सही है ना? वो भी छोटे 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 से कजिन उसके आए थे ना। संभाल के चलो, जरा आराम से चलो, अगर ऐसा लगे कि ज्यादा है पानी वानी भरा हुआ तो तुम घर पे आ जाना फज्जू। हाँ क्या क्या बोल रही हूँ मैं, ज्यादा हाई मारी करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह देने वाला जैसा भी, ठीक है? चल बाय, अल्लाह हाफिज। स्माइल मीनू, स्माइल मीनू। उन्हें देखते थे पहले कैसा। तुम मीनू को नहीं कर रहे, पप्पी उसको दिए, पप्पी। हाँ इतना मत माही, चल नुमैर, चल बेटा, चलो भाई, अल्लाह हाफिज वज्जू। हेलो गाइस, नाम कैसा आपका? चल चल चल, खांसी कम है, एक दस हो गए यहाँ पे। ले ना ऐसा पिला ना पापा, जल्दी डाल के गिला एक चम्मच। बस बस, मैं कितना भरा देख, लगाफी अल्लाह शाफी, आराम से घर में कितना भरता है रे। दवा पिलाने भी नहीं आता बच्ची को, पहली टाइम तो पिला रहा, पहली टाइम तो पिला रहा, क्या सीखेगा क्या मालूम। ला जब तेरे होएंगे ना तो कैसे पिलाएगा दवा, मैं देखूंगी तेरे को। ना नर्स को लगाएगा क्या? नर्स लगाएगा तू, तेरे को बताती, रुक जा। नर्स लगाएंगे अपने बच्चों को पिलाने के लिए, और यहाँ से माँ बाप से पूरा काम करवा के लेते हैं, और इनकी बारी आएंगी तो ये नर्स लगाएंगे। देखो क्या कर रहा है रे, चलो माही का आज का पहला वर्कशीट पेपर है, फिर भी उसका बैग इतना ही वजन है, जरा भी कम नहीं हुआ। फुल डे है, थोड़ा सी धूप निकली है अल्लाह अल्लाह बोल के, हल्का सा ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे बारिश नहीं आए तो बस हो गया बाबा, बारिश बहुत हो गया, अल्लाह अल्लाह बोल के गाड़ी पे निकले। माई तेरा कान का टाइट कर पीछे से, चलना बेटा चलना बेटा, अरे बैग ले इसका पहले पकड़। हाँ मेरा ट्यूशन का है, निकाल देना। क्या क्या ट्यूशन का बैग? अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे, आज जो भी पढ़ी मेरी बच्ची सब लिख कर आए, मेरी दुआ है मेरे बच्चे को, सब पढ़ी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, तो चुच्चा बैठ जा, उसकी खिंचाई मत कर। बाय, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। चले बस ब्लॉग को एंड करने आई हूँ, नमाज हो गई और अभी जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। खाना आज नहीं बनाऊंगी, आज मतलब आज नहीं बनाऊंगी ऐसा नहीं, अभी नहीं बनाऊंगी, कल का सालन भी है और ना इडली भी है, अभी पास्ता बनाया हमने नाश्ता की, इडलियाँ रखी भी है कल की, तो वो क्या ना इडली शाम में हम लोग क्या करेंगे उसको थोड़ा सा स्टीम करूंगी और शाम में हम लोग खा लेंगे चाय से, चाय से भी इडली अच्छी लगती है। और अभी जो है ना सालन कल का है थोड़ा बचा हुआ, तो मैं और नुमैर खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। माही आने के टाइम पर गर्म गर्म खिचड़ी बना दूंगी, तो वो खिचड़ी खा लेगी, खिचड़ी खाती है शौक से, तो खिचड़ी बना दूंगी तो फिर रात को हो जाएगी। तो मतलब आज ज़्यादा कुछ खाना वाना बनाऊंगी नहीं, आज मैं जो है वो खत्म करेंगे, घर में रख के बनाओ बोलेंगे ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए अनाज, है तो क्यों बनाना है। चले जाते जाते आज माही ने ना अपने पप्पा से एक प्रॉमिस ली, आज नहीं ली एक्चुअली, लास्ट फ्राइडे को उसने वो प्रॉमिस ली थी पप्पा से, ये जो वो खाते ना आप लोग को मालूम है क्या छुपाना है, मतलब देखे छुपाने की कोई बात ही नहीं है, वो खाते हैं तो खाते हैं, बस हाँ इतना है कि वो बुरी चीज़ खाते हैं, वो मुझे भी पता है, वो उनको भी पता है कि वो जहर खाते हैं, कोशिश बहुत किया मैंने, 20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मतलब 20 साल में ऐसा तो नहीं होगा कि मदीना ने कोशिश नहीं की होंगी, वो जो लत उनको लगी छुड़ाने की मैंने बहुत कोशिश किया, बट मैं फेल हो गई, क्या करूँगी। अभी आपकी माँ ही ने जो है ना वो आपके फैयाज भाई जिनको इमोशनली बहुत अच्छे से ब्लैकमेल किए, इमोशनली ब्लैकमेल हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बोली, बहुत बार बोली लेकिन सीरियस लिए नहीं है, हम मेरे को भी नहीं लिए, माई को भी नहीं लिए, नुमैर को भी नहीं लिए, लेकिन इस बार उन्होंने सीरियस लिए, इसके पीछे क्या बात है वो मुझे नहीं मालूम, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद के हफ्ते में ना दो बार जो है ना वो मतलब ये बाजू ना मेरे को बोल रहे थे कि सीने के तरफ मुझे ना दर्द हुआ है, तो मैं इनको ना जब उनको दर्द हुआ ना तो मैंने उनको दो बार भी यही बोली कि तुम ये छोड़ दो, ये पता नहीं कहाँ से कौन सा साइड इफेक्ट लेकर आ जाएगा, इसको छोड़ दो, तो वो समझे नहीं उस वक्त, लेकिन माही ने देखी तो दो बार उसको पप्पा क्यों ना उसके पप्पा को यहाँ पे दर्द हुआ है, तब वो ना उसके पप्पा को रो रो के बोलने लगी कि पप्पा प्लीज आप ये जो खाते हो ना आप प्लीज छोड़ दो ना, ये इसी की वजह से हो रहा होगा आपको दर्द, तो वो बोलने लगे नहीं बेटा वो उसकी वजह से नहीं होता है, वो पता नहीं ऐसी मैं गाड़ी चलाता हूँ, आपने देखी भी होगा उस वीडियो में, बोले था ना मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं किक मारता हूँ, मेरे हाथ में झटका मारता है, इसके लिए मुझे दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बच्चे कैसे आप लोगों को पता है ना, फिर भी वो अपने पापा को रो के बोलने लगे कि नहीं पापा प्लीज आप फिर भी आप छोड़ दो ना, बोले आप छोड़ दो ना, बोले आप छोड़ दो ना, ऐसा ऐसा करके बोलने लगी। तो और वो जो आप लोगों को मालूम है इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स आती है या फिर वीडियोज आते हैं ना जो वो खाने से जो साइड इफेक्ट होता है, बीमारियां होती है, वो माही हमेशा देखती रहती है ना, तो हमेशा टोकती है पापा को लेकिन वो सुनते नहीं है, और इस बार वो फिर से बोलने लगी, देखो ना पापा वीडियो दिखाने लगी एकदम से
एकदम से उसने ना मोबाइल निकाल के वीडियो दिखाने लगी, पापा देखो कैसा कैसा होता है, पापा प्लीज आप छोड़ दो, प्लीज आप छोड़ दो, प्लीज आप छोड़ दो, रो के बोलने लगी। तो बोलने लगे अच्छा ठीक है छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। और ये ना लास्ट फ्राइडे की बात है, तो फिर इसको प्रॉमिस किया अच्छा ठीक है मेरे को एक हफ्ते का टाइम दे मैं छोड़ दूंगा। अब लास्ट फ्राइडे से लेके ना ये वाला जो सैटरडे है, आज तो मंडे है, सैटरडे के दिन ये बराबर याद दिलाई, पापा आज फ्राइडे हो गया, आपने बोले थे एक हफ्ते में छोड़ दूंगा, तो आज फ्राइडे चला गया, आज सैटरडे, आज से आपको नहीं खाना है। तो बोले लगे हाँ मैं समझ गया मुझे याद है, और बोले लगे ठीक है आज से छोड़ दिया मैंने, ठीक है ये बात बोले लगे वो हो गया मैंने छोड़ दिया, मतलब ये सैटरडे के दिन बोले लगे, मतलब आज का तीसरा दिन है, सैटरडे संडे और मंडे आज का तीसरा दिन है, बोले मैं छोड़ दिया। एक्चुअली जब उसने लास्ट फ्राइडे बोली थी ना उसके पापा को, तो रात के टाइम पे जब गाड़ी पे से आए थे ना तब बोली थी, और जब वो रात को सोई, वो वीडियो पापा को दिखाई, और वो जब रात में सोई ना, तो सेकेंड डे मतलब सैटरडे के दिन सुबह में उठ के ना, जब मैं और माही साथ में वॉशरूम में जाके ब्रश करते, तो ना एकदम से रोने लगी। रात में तो पापा के पास रोई कि पापा प्लीज छोड़ दो, वीडियो दिखाई रोई, बट मॉर्निंग में फिर ना वॉशरूम में मेरे पास में ना ब्रश करते करते ना ऐसा मुंह में बनाई और रोने लगी। तो मैं बोली क्यों रो रही है करके, तो एकदम से बोलने लगी मम्मा पापा अपनी पापा ना सुनते ही नहीं है, मम्मा मैं हमेशा उनको बोलती हूँ उनको, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। तो मैं बोली बेटा सुन लेंगे तू रो मत करके। बोले नहीं मम्मा पापा को सीने में भी दर्द हो रहा है और पापा ये छोड़ते भी नहीं है, ये ना मेरे को वॉशरूम में बोलने लगी और रोने लगी। फिर ना मैं उसको समझाई कि नहीं नहीं छोड़ देंगे, मैं बोलूंगी नहीं छोड़ देंगे, ये हो गया। फिर आपके फयाज भाई जब ट्यूशन चली गई ना, तो सैटरडे के दिन, लास्ट सैटरडे के दिन की बात बोल रही हूँ, तो मैंने इसके इसके अब्बा को मैंने बोली देखो वो रो रही थी वॉशरूम में भी, रात में भी तुम्हारे पास में रोई है, वॉशरूम में भी बैठ के रोई है, मतलब उसने सुबह में बात ही तुम्हारी स्टार्ट की, मतलब कोई बात ही नहीं कि उसने सुबह में वॉशरूम में जाके मतलब उसने तुम्हारी ही बात स्टार्ट कर दी, कहीं ना कहीं रात में शायद उसके उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। मैंने उनको बोला फयाज प्लीज सुन लो, बड़ी हो रही है, मतलब वो बड़ी हो रही है माशाल्लाह से, अब नहीं बोलूंगी कि वो बच्ची है, आप लोगों को भी पता है कि अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, वो बच्ची मतलब बड़ी तो हो रही है, उसका दिमाग भी अलग चल रहा है, वो सोचती है बहुत चीज़ें। तो मैंने आपके फयाज भाई को मैं बोली प्लीज आप तो बस कर दो फयाज, बस अब बहुत हो गया, वो समझ रही है, देखो बेटी है, बड़ी हो रही है, सब आप ज़रूरत है मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा, इतने साल से जो मैं नहीं कर पाई, मे भी मुझे एक उम्मीद लग रही है कि ना आपके फयाज भाई शायद माई की सुन ले, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहते कि आप लोग ये समझ ही करोगे कि 20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी के, ऐसा तो नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा इनको छुड़ाने की, मैंने बहुत ट्राई किया। वो कहते ना हिंदी में सन दम द बेर साम धाम, वो कैसा वो कुछ तो है, बाय हुक और क्रूक मैंने बहुत कोशिश की उनसे ये लत छुड़ाने की, लेकिन मैं हार गई, नहीं छुड़ा पाई। और मैंने ये 20 साल में ना मैंने कैटल ट्रिक यूज करी ना ये छुड़ाने के लिए, वो भी मैं बाद में आपको शेयर करूंगी, मैंने बहुत ट्रिक यूज करी कि ये छोड़ दे, लेकिन ये नहीं छोड़े। अभी ये जो है ना तीसरा दिन है आज का, अल्लाह चाहेंगे तो बस अल्लाह सुन ले और ये छोड़ दे। तीन दिन हो गया वाकई में ये खाई नहीं है, वरना इनकी जो मॉर्निंग शुरू होती है ना सबसे पहले वो लेते और पहले मुंह में डालते और सीधा चुपचाप से चुपके से बाथरूम में चले जाते वॉशरूम में, क्योंकि मैं देखूँ ना इतना है कि मेरे सामने नहीं खाते, हमें कभी पकड़ ली तो वो बात अलग हो गई, लेकिन मेरे सामने नहीं खाते, छुपा के खाते। और माही ने तो बहुत बार पकड़ी है, मुझे लग रहा है बड़ी हो रही है तो फील हो रहा है उसको, हालांकि ऐसा नहीं है कि नुमैर ने नहीं बोला, नुमैर ने भी बहुत बार बोला, बट मेरे को ऐसा लग रहा है क्या शायद पप्पा लोग जो होते हैं ना वो बेटियों की बात ज्यादा सुन लेते बेटों की और बीवी से सुनने से अच्छा बेटियों की बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो जो रोई है ना फ्राइडे को, वो मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि मतलब एकदम से ना वो आंख में आंसू भर के एकदम पप्पा पप्पा, मतलब उसको फील आ रहा था ना कि पप्पा को दर्द हो रहा है सीने में और पप्पा ये खा रहे हैं छोड़ रहे नहीं है। और मैं भी उनको बोलती हूँ यार, ऐसा नहीं क्या नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ बच्चों देखो अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस हो तुम, अल्लाह ना करे कभी कैसे ना इंसान, अभी आज की तरह आज की तारीख में तो आपको पता 30 के बाद ही पता नहीं कौन सी बीमारियां पकड़ लेती। मैं उनको बोलती हूँ, बोलते नहीं कुछ नहीं होगा, मैं अभी तक ठीक हूँ ना, मैं आगे भी ठीक रहूंगा, पहले अल्लाह करे बस तुम्हारी बात जो है ना वो आमीन हो जाए। बट देखो ये इंसान का बदन है, बॉडी है, ये आपका साथ कब तक दे आपको भी नहीं पता है, बस हमारा काम है कि हमारी बॉडी को हम लोग कोई भी गलत चीज उसमें डाल के हम अपनी बॉडी को अपने हाथ से खराब ना करें, ये हमारा काम है। तो मैं भी देखे सुन ले समझ ले, और बस आप लोग कमेंट करना अच्छे कच्चे, आपके फयाज भाई जिनको जरूर मैं कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगी, और बस अल्लाह करे मेरी बेटी की बात सुन ले। कहते हैं ना जो चीज मैं 20 साल में नहीं कर पाई इंशाल्लाह वो शायद माही से वो माही कर ले। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह बस ये सुन ले और ये ना खाए। और अभी मैं मेरा यही काम रहेगा, इनको हर एक दो घंटे में फोन करके पूछूंगी कुछ खाए तो नहीं, कुछ खाए तो नहीं, क्योंकि कैसा होता है ना इनका ऐसी रहता है, ये अभी इनके साथ रही हूँ तो मुझे पता है, ये बोलते ये एक दिन बोलेंगे, दो दिन बोलेंगे, तीन दिन बोलेंगे, चार दिन बोलेंगे, कंट्रोल नहीं हुआ तो खा लेंगे, ऐसा है इनका। बाकी चले अल्लाह रहम करे, बाकी चले आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में हम सबको याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना आपके फयाज भाई के लिए। चलो अल्लाह हाफिज़।